स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या है उनकी सिचुएशन, कैसी एनर्जी में है। तो आज हम ये चेक करने वाले हैं। उससे पहले हम आपकी एनर्जी को चेक करेंगे, इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ 20 से 30% तक, एटलीस्ट 40% तक भी मैच करती है, तो समझ लीजिएगा कि जो मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी और जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊंगी वो सेम होगी, ठीक है, वो वही होगी, ठीक है। तो चले आपने क्या करना है, आपने इस समय पहले करना है अपने लिए प्रेयर। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो उनको याद कर लीजिए। तो पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ और देखते हैं कि यूनिवर्स मुझे आपकी एनर्जी क्या है, क्या बताते हैं, ठीक है जी। रीडिंग जर्नल है इस बात का आपको ध्यान रखना है, जर्नल रीडिंग देखते हुए कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मौसम चेंज हो रहा है तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो। प्रेयर कर लीजिए, 3 बार लेना है अपना नाम। तो यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे ये बताइए अभी इस वक्त पे उनकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त पे वो। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो बायो में दे रखी है, ओके जी। तो चलिए चेक करते हैं, एक मिनट। क्या है एनर्जी मेरे व्यूवर्स की? हे महादेव, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, प्लीज बताइएगा मेरे व्यूवर्स इस समय जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के लिए ये वीडियो तक पहुंचे हैं, जिनको सोच रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। वेट करते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, चलो अभी चेक कर लेते हैं। कार्ड ना ये अच्छे से शफल नहीं हो रहे थे तो फिर क्लैरिटी नहीं आती है। वही वही कार्ड निकल आएंगे। देखो ये ना कार्ड कुछ इस तरह से है, ये चिपके रहते हैं। बहुत ओल्ड डेक है मेरा ये, बहुत ज़्यादा। ओके जी, चल अब मैं कार्ड निकालती हूँ और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या बताते हैं हमें यूनिवर्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। शुरुआत तो बड़ी अच्छी कर रहे हो आप लोग। ओ, ये कहने की देर हुई थी, ये क्या हो गया? झूठ बोलते हो कि हम ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, ऐसे झूठ बोलते हो लोगों के साथ, सबके साथ। ये देख लो स्टार कार्ड, ये हमें दिख रहा था, हेरोफेंट। ओके चलिए, ये कार्ड हमें इस तरह से रखना पड़ेगा, ठीक है जी, पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्टार कार्ड से इस तरह से दिखाई दे रहा है, कुछ चमत्कार की आप वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आप अपने पार्टनर का कॉल मैसेज की वेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, मन्नतें मांगते हुए भी नज़र आ रहे हो। कल आपने किया है कोई ना कोई रिचुअल, 11/11 पोर्टल था तो आपने उसको ज़रूर से ट्राई करा है, क्योंकि आप चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ यूनियन, अपने पार्टनर के साथ शादी। आप उनके बहुत सारे ड्रीम देख रहे हो, आप उनके आज भी आप इस रिलेशन में उनके लिए एफर्ट्स डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हुए भी नज़र आ रहे हो। टैरो रीडिंग
लेना चाहते हो, ऐसे भी मेरे कुछ व्यूवर्स यहाँ हैं जो कि सोच रहे हैं कि मुझे किसी टैरो रीडर को अप्रोच करना है और जानना है कि इस व्यक्ति के मन में क्या है। आप अपने पार्टनर को लेकर पल में पॉजिटिव हो जाते हो और पल में नेगेटिव हो जाते हो। बातचीत आपकी बिल्कुल बंद है जिसके कारण आप काफ़ी हर्ट हो। काफ़ी लंबे अरसे से आप अपने पार्टनर की वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इस रिलेशन में आज भी आप अपनी एनर्जी डालते जा रहे हो, एफर्ट्स डालते जा रहे हो। आप अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। आप चाहते हो कि एक बार ये मेरी लाइफ में आ जाए तो मुझे कुछ क्लैरिटी मिले कि आगे मेरा क्या होने वाला है। आप अपने पार्टनर को चेज़ करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। न्यू बिगनिंग चाहते हो, शादी चाहते हो, बहुत से आपके सपने हैं। हर ज़िंदगी का हर एक पल आप अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हो। कहीं ना कहीं जैसे आपने कल 11/11 पोर्टल पे कोई रिचुअल किया है तो आप डाउट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो कि पता नहीं मैं कर तो रही हूँ लेकिन पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं आएगा, इसका कुछ असर होगा भी कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कर रहे हो गलती, क्योंकि जब हम लिखते समय अपने माइंड में नेगेटिव थॉट रखेंगे तो समझ लो वो आपका नहीं होगा। आपका जो भी रिचुअल करोगे, वो जो भी आप मंत्रा करोगे, चैंटिंग करोगे, कुछ भी करोगे तो वो कंप्लीट नहीं होगी। जिस दिन आपने अपने मन में नेगेटिव थॉट ले आए उस टेक्निक को लेकर या उस रिचुअल को लेकर, तो वो टेक्निक कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। एफर्ट्स आज भी करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। कन्फ्यूज हो इस रिलेशन को लेकर कि पता नहीं मुझे वेट करनी चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या वो व्यक्ति आज भी मुझसे प्यार करता है? क्या वो मुझे चाहता है? काफ़ी परेशान हो, अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ट्रिगर देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पास की बातों को सोच रहे हो, एनजाइटी फील कर रहे हो। हो सकता है कि आजकल आपको 111 नंबर बहुत दिख रहा हो, 666 की एनर्जी दिख रही हो, 00 की एनर्जी दिख रही हो, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशन में है जिसके कारण आपके सपनों का महल टूटा है। किसी थर्ड पर्सन के आने के कारण इतना प्यारा जो रिश्ता था, इतना पॉजिटिव जो रिश्ता था आपका, वो ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है? आप इस उधेड़बुन में लगे रहते हो, काफ़ी हर्ट हो। आप अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, बहुत रोमांटिक हो। आप अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हो। आपको इस तरह से लगता है कि पास्ट लाइफ रिलेशन है। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो और जो भी आपको साइन बताए जाते हैं, आपको इस तरह से लगता है कि यस, यही वो है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। ऐसी सोच आप रखे हुए हो। आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी रोमांटिक हो, पैशनेट हो। आजकल आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर को बहुत सारा प्यार देना चाहते हो, इनके साथ डे ड्रीमिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ भी लग रहा है कि आप कुछ जब नेगेटिव होते हो तो यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स को एडिक्शन भी हो सकता है। किस चीज़ का एडिक्शन है? आपको चाय कॉफ़ी का एडिक्शन हो सकता है, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखने का एडिक्शन हो सकता है। कुछ इस तरह से भी लग रहा है, अगर आप मेल हो तो आपको स्मोक करने का, ड्रिंक करने का एडिक्शन हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अपने पार्टनर का भी एडिक्शन है। ऐसा एडिक्शन है कि आप चाहते हुए भी उस एडिक्शन से भाग नहीं सकते हो। मॉर्निंग उठते हो, सोचते हो कि नहीं, मैं इतना नहीं सोचूंगी, या मैं अपने आप को क्यों हर्ट कर रही हूँ या क्यों हर्ट कर रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊँगी। लेकिन शाम होते होते आप फिर इस एडिक्शन में चले जाते हो। तो ये थी आपके पार्टनर सॉरी आपकी एनर्जी। तो बताइएगा कितनी मैच हुई है। तो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी को। अगर आपकी एनर्जी 30-40% भी आपके साथ मैच हुई है, तो मैं आपके पर्सन की अभी बताने वाली हूँ एनर्जी। तो समझ लीजिएगा उनकी एनर्जी सेम वैसी है जैसे आप इस समय इस रीडिंग में सुन रहे हो। ठीक है, ओके, चले। ये क्या? हाल के साहे जनाब का हाल तो इनका भी खराब लग रहा है। तो देखते हैं कि इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलें, क्या करना है आपको? आपको करना है, जो नए आए हैं वो ध्यान दीजिएगा। आपको करना है, 3 बार लेना है अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ, फिर आपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार अपने नाम को दोहराना है।
कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, उनको विजुलाइज करना है, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेके आना है। अगर चेहरा नहीं ले पा रहे हो तो आप उनकी कोई इमेज को देख सकते हो, उनकी कोई पिक्चर को देख सकते हो, ठीक है। तो चलें देखते हैं, रीडिंग जर्नल है इस बात का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, और किसी भी जर्नल रीडिंग को देखते हुए आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ऑल जोडियक साइन होते हैं, एनर्जी देखा कीजिए कि एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर फर्स्ट पार्ट रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, कोई और रीडिंग आप देख सकते हो। मैंने बहुत सारी रीडिंग्स डाली हुई हैं। ओहो मैचिंग, देखो क्या बोलते हो, नहीं अभी नहीं, अभी मैं रेडी नहीं थी। चलें चेक करते हैं, पूछते हैं यूनिवर्स से आपके पार्टनर की एनर्जी को। तो हे महादेव, हे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, प्लीज़ कार्ड कीजिएगा और बताइएगा मेरे व्यूवर्स इस समय जिस भी व्यक्ति का नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, जिनको सोचते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, जिनको दिन रात वो देखने के लिए तरसते हैं, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि इनके पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। आर्कएंजल माइकल दीजिए कार्ड्स और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी कैसी है, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। ओके, धोखा दे के भागे हैं, लेकिन क्या मिल रहा है, कर्मा। बिजनेसमैन हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, मामाज बॉय हो सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई लॉ के रिगार्डिंग कुछ हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ इस तरह से चलता हुआ नज़र आ रहा है। लो दोनों तरफ, दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो, अप्रोच कौन करेगा भाई, आपको तो नहीं करना है, यही करेंगे, आपको चेस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ये भी कार्ड आप में आया था, सेवन ऑफ सिक्स ऑफ सोर्ड का, तो ये कार्ड इनमें भी आया है, आखिरकार आ ही गया ये कार्ड। तो यस, टेम्परेंस कार्ड है, नाइन ऑफ सेम एनर्जी, तो भाई थोड़ा पॉजिटिव सोच लो। चलें कार्ड्स विजिबल हैं, आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लगेगी, उन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। तो यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को मिली है चीटिंग अपने पार्टनर की तरफ से। चीटिंग किस तरह की हो सकती है, या तो ये अगर आपको इन्होंने अप्रोच किया है, ठीक है, आप अपने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे होंगे, तो इन्होंने अगर आपको अप्रोच किया है तो पैसों के कारण किया है, आपके लिए अट्रैक्शन फील किया है तो इन्होंने आपको अप्रोच किया है, जैसे ही अपना काम निकला है तो ये आपकी लाइफ से चले गए हैं। कुछ ना कुछ चीटिंग आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे मिली है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो आपके पार्टनर का दिल का हाल ये है कि आपके पार्टनर अभी इस समय बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारा काम का बर्डन भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे फैमिली इशू नज़र आ रहा है, फैमिली में मुझे फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपको रिजेक्शन फील करवाया गया है। मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे अपने पार्टनर को जैसे याद कर रहे हैं, वैसे ही उनके पार्टनर भी उनको बहुत याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका थ्रोट चक्रा मुझे हील होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे कॉल मैसेज आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा क्लैरिफाई तो करना ही पड़ेगा, तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड और बताइए सेवन ऑफ सोर्ड क्यों है। थोड़े से कार्ड ही लूँगी क्योंकि नहीं तो रीडिंग फिर लंबी हो जाती है। ओके, यूनिवर्स सेवन ऑफ सोर्ड क्यों आया है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस रिलेशन पे आपको
आप दोनों का वर्क प्लेस एक हो सकता है, आपके पार्टनर काफ़ी स्मार्ट हो सकते हैं। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि काम के रिलेटेड इन्होंने जितना फ़ायदा आपसे उठाना था उतना फ़ायदा उठाया है और आपकी लाइफ से चले गए हैं। इनमें स्ट्रेंथ की कमी भी दिखाई दे रही है, मे बी ये मैरिड हो सकते हैं। सेकेंड, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन कुछ सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि ये अपना हाथ ये आपका हाथ दुनिया के सामने पकड़ सकते हैं। तो ये थोड़े से मुझे डरपोक टाइप भी दिख रहे हैं जिसके कारण इन्होंने आपका साथ छोड़ा है। यहाँ मुझे कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशन में आपके साथ बहुत से झूठ बोले गए हैं, बहुत कुछ छुपाया गया है। एंड यहाँ मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि आपको दिखाया वही गया है जो ये दिखाना चाहते थे। इस रिलेशन में काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपके पर्सन चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ मुझे इस तरह से लगता है कि झूठ बोले गए हैं इस रिलेशन में। मुझे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी यूनिवर्स क्या बताना चाह रही है, फाइव ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ भी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ भी आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल फूल कार्ड आप में भी आया था। ओके, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका ध्यान 24/7 आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैंने जो बीज बोया था उसका क्या, क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है। अंदर ही अंदर इनको ये फील हो रहा है कि शायद इस रिलेशन का एंड हो चुका है। ये जो कब गिरे हैं, ये जो ये क्या है, ये पास्ट है, ये पास्ट को ही देखते जा रहे हैं। जो प्रेजेंट है, आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये इनकी होप ख़त्म हो गई है। पास्ट को देख रहे हैं, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको इस तरह से लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। यहाँ मुझे आपके पार्टनर बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं, इनका ध्यान अपने काम पर भी है, साथ में ये आपकी तरफ भी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के कारण ये इनके अंदर एक डर सा मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ में कोई लॉ, कोई केस चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे मुझे जस्टिस कार्ड दिख रहा है, जस्टिस कार्ड्स एंड टेम्परेंस कार्ड ये भी बताता है कि ये अपना कर्मा फेस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स, लवर्स। तो भाई इनको तो मिल रहा है इनका कर्मा, जो ये पहले आपको बहुत, जैसे कि यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपको लेकर या इस रिलेशन को लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल होकर सोच रहे थे। इनको लग रहा था कि कोई बात नहीं, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी, कुछ इस तरह का इनका नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। इनके पास दुनिया की हर सहूलियत हो सकती है, इनके ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। इनके पास ये फाइनेंशली काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं जिसके कारण इन्होंने इस रिलेशन को काफ़ी कैजुअल लिया। लेकिन अब यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है जिसके कारण इनको बहुत सारे ट्रिगर दिए जा रहे हैं। जस्टिस कार्ड से दिखाई दे रहा है कि इनको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे ट्रिगर दिए जा रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे इशूज़ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, घर में घर वालों के साथ लड़ाई हो सकती है। कि क्वीन ऑफ सोर्ड से दिखाई दे रहा है कि जिस थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपसे आपको छोड़ा था, उसी थर्ड पार्टी के कारण इनके लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। लवर्स कार्ड बताता है पास्ट लाइफ रिलेशन को, आप दोनों पास्ट के लवर हो सकते हो। और यहाँ पर मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। अगर ये काम में भी बिजी हैं तो इनका
ध्यान बार बार आपकी तरफ चाहता है। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी होने के कारण ये काफ़ी घुटन सी महसूस करते हैं, फ्रीडम इनको नहीं दिखाई दे रही है। एक इस तरह से लगता है कि जैसे चारों तरफ से इनको देखा जा रहा है, यहाँ तक कि इनका फ़ोन चेक किया जाता है, इनको ट्रू कॉलर चेक किया जाता है कि कितने बजे कॉल की, किससे बात की, कितनी देर तक बात की। यहाँ मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि मे बी तभी आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। जस्टिस क्यों है यूनिवर्स, जल्दी से क्लेम कीजिएगा। इतने बड़े कार्ड आप में भी आया है, ये इधर भी आया है, टू ऑफ कप्स आया है, लवर्स कार्ड आया है, तो जल्दी से इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। जस्टिस कार्ड क्या बताना चाह रहा है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में, इनके दिल और दिमाग में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है यूनिवर्स। दो कार्ड आ गए, चलें। सॉरी, ओके। तो यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने अभी बात ही की थी कि इनको फ्रीडम महसूस नहीं होता है, ये काफ़ी घुटन महसूस करते हैं, इनके ऊपर नज़र रखी जाती है। ये हैं तो एम्परर, ये दुनिया को ये दिखाते हैं कि मैं बहुत शेर हूँ, मैं बहुत तोप हूँ, मैं सब पे राज करता हूँ, लेकिन घर में इनकी हालत काफ़ी ख़राब है। इनके ऊपर नज़र रखी जाती है, स्टॉक किया जाता है, स्पाई किया जाता है, किससे बात की जा रही है, कब ऑनलाइन हो रहा है, इनका फ़ोन चेक किया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है, जिसके कारण ये अपने ही घर में घुटन महसूस करते हैं। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, मैरिड हो सकते हैं, जिसके कारण ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। काफ़ी फायरी एनर्जी है और ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। या तो आपकी लाइफ में फ़िलहाल अभी किसी की एंट्री हुई है, या आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी कोई है और एक आप हो, जिसके कारण इनकी लाइफ कुछ डावाडोल है। काफ़ी फायरी है, आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक जो अकड़ है ना इनके अंदर, वो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये अकड़ थर्ड पार्टी के सामने बिल्कुल भी चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। मे बी इनको धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ये केस कर दूंगा या कर दूंगी, कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ मुझे ये अपना कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं कि कितनी आसानी से तुमने किसी का दिल तोड़ा है, कोई आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो इनको यूनिवर्स की तरफ से आपकी ओर पुश किया जा रहा है कि जाओ उससे बात करो, जस्टिस करो, जो तुमने उसके साथ किया था अब उसकी माफ़ी मांगो, तुम्हें उसके पास जाना है। क्योंकि यहाँ मुझे पास्ट लाइफ रिलेशन लग रहा है, पास्ट में भी इन्होंने, पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में भी इनकी तरफ से कुछ ऐसा किया गया था जिसका कर्मा आज ये फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आपने इनके साथ जो गलत किया था, तो ये इस जन्म में उस चीज़ का हिसाब लेने आए हैं, अपना कर्मा क्लियर करने आए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मैसेज होते हैं क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। चलें देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। मे बी तभी आपसे कॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर हाईली हाईली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। 11-11, क्योंकि ये 11 नंबर गिना जाता है, तो 11-11 नंबर आपको मे बी कल बहुत ज़्यादा दिखा है, या इस रीडिंग के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही है। चलें इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड, चीटिंग तो नज़र आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या आया है, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे क्या आया है, क्वीन ऑफ कप्स। कर दो, वही कर दो, करो जल्दी से, मैं रुक गई हूँ, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि आप दोनों कपल हो, पास्ट के ट्विन फ्लेम हो सकते हो या सोलमेट हो सकते हो। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। मैच्योरिटी मुझे इनमें बहुत कम दिखाई दे रही है, जिसके कारण इन आपकी लाइफ में काफ़ी ऑन ऑफ सिचुएशन रही है। मे बी आपकी लाइफ में कभी आते हैं, कभी जाते हैं, सैर करने निकले हैं क्या। तो यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग दी है, आपको उस समय छोड़ा है जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी,
तो जो मुझे दिखाई दे रहा है अब आप भी, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, आप अपने आप को सरेंडर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, जो पहले भी थे और आज भी आपकी ये सिचुएशन है। आप उनके बिना जी नहीं सकते हो, जिसके कारण ये अब आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये किंग है यहाँ पे, ये किंग है जो पैसे के साथ घिरा हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल है कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, दुनिया की हर खुशी मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन ये जो किंग है अकेला बैठा हुआ है, इसकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारा पानी है, जिसके कारण ये भी आपके लिए इमोशनल होता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी किसी की बाजू पे टैटू हो सकता है, आपके या आपके पार्टनर ने टैटू बनवाया होगा, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। 11-11 का पोर्टल आपके पार्टनर के ऊपर असर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल हमें क्या बता रहा है? इनके हेल्थ इशू भी चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक भारीपन सा महसूस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से इन्होंने जो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा था, अब वो फीलिंग्स इस 11-11 पोर्टल के बाद आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, देखो मैंने कहा ना, काफ़ी भारीपन महसूस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक लड़की है जिसने बहुत सारा बोझ उठाया हुआ है। 10 ऑफ वैंड्स, 10 नंबर 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 है, अभी नंबर की बात करते हैं, नंबर 3 है, 0 है, 2 है, 6 नंबर है, 20 नंबर है, 13 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, तो आपके पार्टनर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, जैसे मैं बात कर ही रही थी कि आपको इनका कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन दिख रहा है और नोटिफिकेशन बेल भी सुनाई दे रही है। तो आपको आपके पार्टनर का इस रीडिंग के बाद 8 घंटों के अंदर आपको इनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है कुछ इस तरह से, या इस रीडिंग को देखते हुए भी आपको इनका कॉल मैसेज आ सकता है। तो बहुत भारी मन से ये आपकी लाइफ से जा गए तो थे, लेकिन अब ये खुश नहीं है, काफ़ी नेगेटिव थे, इनकी लाइफ बहुत नेगेटिव हो गई थी, इसीलिए ये आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करके आएँ। और यहाँ मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से जानते हो, 5 साल हो सकते हैं, 8 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, कुछ इस तरह का भी लंबा अरसा दिख रहा है। यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो यहाँ पे जो चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, आपका ट्विन अपना कर्मा अपना हिसाब किताब लेने आपकी लाइफ में वापस आ ही जाता है। मे बी इस तरह से भी हो सकता है कि आप बचपन के फ्रेंड हो सकते हो, फिर आप बिछड़े, फिर मिले, फिर बिछड़े, फिर मिले, ठीक है, कुछ इस तरह का सिनेरियो भी मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ कार्ड हमें क्या बता रहा है? इनकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलें फिर भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स, डेथ कार्ड हमें क्या बताना चाह रहा है। ये आपसे बहुत कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्होंने इस रिलेशन में बहुत सी झूठ भी बोले हैं, जिसके कारण इस रिलेशन में आपने काफ़ी परेशानी को फेस किया है। काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको आपका बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी होता जा रहा है। आपने कोई पिक्चर इस तरह की अपलोड करी है, जिसके कारण ये एक ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड ऑल जोडियक साइन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है डेथ कार्ड क्या बताता है? किसी एक साइकिल का एंड एक और एक न्यू बिगनिंग, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना और किसी नई चीज़ का शुरू हो जाना। वर्ल्ड कार्ड, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, आपके पार्टनर दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, ओवरसीज़ में हो सकते हैं, या आप इस समय बैठकर ओवरसीज़ में ये रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ डेथ कार्ड बता रहा है कि इनके अंदर एक चेंज आ रहा है, जो पुरानी नेगेटिव सिचुएशन थी, पास्ट की नेगेटिव सिचुएशन, उस सिचुएशन का एंड होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड, कहीं पर स्टक है, इस स्टक सिचुएशन को रिलीज़ करेंगे, थर्ड पार्टी को रिलीज़ करेंगे, और आपकी तरफ आपके पार्टनर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेथ कार्ड अवेकनिंग को भी बताता है, और जो 11-11 का पोर्टल होता है, इसमें बहुत से लोगों की अवेकनिंग भी होती है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। तो यहाँ आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, ये आ रहे हैं, आपको इनका कॉल मैसेज आ रहा है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 6 ऑफ सोर्ड क्यों आया है?
चलिए ये भी चेक कर लेते हैं कि सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आपको सॉरी बोलेंगे, यहाँ मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है जो इन्होंने कभी आपको नहीं बताया है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हो, अभी इस रीडिंग को पढ़ते हुए आपके पास बुक्स पढ़ी हो सकती हैं, या पढ़ते पढ़ते साथ में पढ़ रहे हो, साथ में रीडिंग देख रहे हो, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग ये बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स के अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हुआ है जिसके कारण ये आपसे नाराज़ हैं, लेकिन अब ये आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपनी इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, आपको ब्लॉक किया था किसी बात को लेकर, आपसे नाराज़गी जाहिर की थी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने आपको ब्लॉक करके अपनी फैमिली की ओर रुख किया था, लेकिन अभी आपकी तरफ ये आते हुए नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी हमें क्या बता रही है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर मुझे दिखाई दे रही हैं, बहुत रोमांस मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है। टू ऑफ कप्स आप में भी आया है टू ऑफ कप्स, तो अगर आप इस रीडिंग को नहीं करोगे ना, ये तो आप मेरे से लिख के ले लो, जब तक आप क्लेम नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, ये वीडियो मैनिफेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो जल्दी से इसको आपने क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। यस, अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट आ रही है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं, ये आपके साथ ही सारी खुशियां देखते हैं। अंदर से ये बहुत अकेले हैं, इनको एहसास किया जा रहा है, ट्रिगर दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसके साथ इतनी अटैचमेंट क्यों फील करता हूँ, क्या कारण है कि मैं इससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। काफ़ी अकेले हो गए हैं जिसके कारण ये बार बार आपकी तरफ आपके लिए सोचते हैं, इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाता है, अभी इनके साथ कोई नहीं है, ये आपको ही चाहते हैं, आपको ही अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, टेम्परेंस कार्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, आ गया ना पास्ट लाइफ रिलेशन। ओके, बहुत प्यार है आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में राहु का इम्पैक्ट हो सकता है, राहु केतु का और शनि का, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो कि भ्रमित करते हैं, ये वो प्लैनेट होते हैं जो कि भ्रमित करते हैं, ठीक है, जिसके कारण रिलेशन्स टूटते हैं, बहुत से रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं या उनमें डिले आ जाता है। तो पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप दोनों पास्ट के लवर हो, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके लिए ही एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, ये अपने प्यार का एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को बताना चाहते हैं कि जब तुम मेरे साथ नहीं थी तो मैंने कैसे फील किया। इस रिलेशन में अब आपके पार्टनर बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी नाइन ऑफ पेंटिकल आया है, तो यस, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। द मून, इस समय आपके पार्टनर आपके बिना बहुत उदास हैं। एम्प्रेस आया है, ये आपकी ब्यूटी को बहुत अडोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ये आपको रज के प्यार करना चाहते हैं, दुनिया की हर खुशी आपको देना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लेटर रिफ्लेक्ट हो रहे थे, लेटर एच था, ए था, आर था, जी है, ई है, एम है, टी है, एस है, एल है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे आर की एनर्जी है, यू की एनर्जी है, पी है, वी है, ट्रिपल वन, डबल वन, डबल वन नंबर, डबल नाइन नंबर, ट्रिपल नाइन नंबर की ऊर्जा भी मुझे दिखाई दे रही है, ट्रिपल फोर नंबर आपको दिख सकता है इस रीडिंग के बाद, डबल वन नंबर दिख सकता है, इलेवन इलेवन की एनर्जी आपको फील हो सकती है, ट्रिपल वन की एनर्जी आपको दिख सकती है, ट्रिपल टू नंबर आपको दिख सकता है। तो जैसे ही आपको ये नंबर दिखने स्टार्ट होंगे तो समझ लीजिएगा कि आपका यूनियन बहुत नज़दीक है, तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक बार यस नो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या इनका कॉल मैसेज आपको आएगा,
इन्हीं कार्ड से मैंने सोचा कि ले लेते हैं। यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए क्या मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव होगा। यस, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे। यस डेफिनेटली, ये अपना कोल्ड बिहेवियर छोड़कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको कॉल मैसेज करेंगे। यहाँ आपके रिश्ते में, रिलेशन में नज़र भी लगी है। सेकंड, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। जो ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट करे थे उन ब्लॉकेजेस का एंड करते हुए आपके पार्टनर उन चीज़ों को हटाएंगे जो भी ब्लॉकेजेस हैं, और उस चीज़ का एंड करते हुए ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो जल्दी से इस एनर्जी को आपने क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।